नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज स्वीट्स पर। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है ये थोड़ा मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आर्टिकल द हिंदू से लिया गया है। तो द हिंदू में आज फिस्कल काउंसिल के बारे में बहुत अच्छे से आर्टिकल दिया था और ये इसलिए दिया हुआ था क्योंकि आजकल न्यूज़ में ही है, इकोनॉमिक जो हमारी है उसके कंडीशंस ख़राब हो रहे हैं, कोविड जो पैंडेमिक है उसको लेके, प्लस डेफिसिट जो है गवर्नमेंट का बहुत बढ़ते जा रहा है। ठीक है, तो ये सब से ये सब को रिलेट करके कुछ रिकमेंडेशंस आए कि फिस्कल काउंसिल होनी चाहिए। तो यही आज के जो वीडियो में आज हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे कि फिस्कल काउंसिल आखिर होता क्या है, इसमें अपॉइंटमेंट का तरीका क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, इसकी इसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी, जो या फिर फीचर्स या प्रोविजंस कैसे होंगे, इंडिया को फिस्कल काउंसिल की ज़रूरत है कि नहीं, फिर 13th फिनेंस कमीशन, 14th फिनेंस कमीशन और OECD के रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है फिस्कल काउंसिल के रिलेटेड चीज़ें क्या लिखी हुई है, जो कि हम अपने आंसर में कोट कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है ये UPSC में भी आने के चांसेस है और BPSC में भी आने के चांसेस हैं। तो चलिए इसको अच्छे से देख लेते हैं, पॉइंट्स नोट डाउन कर लेते हैं क्या सब है। तो सबसे पहले ये न्यूज़ में क्यों था, फिस्कल काउंसिल जो है वो न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी देखिए हमारा जो फिस्कल सिचुएशन है इंडिया में ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के अंडर है। ये पहले भी स्ट्रेस के अंडर था COVID-19 से पहले, बट कोरोना जो पैंडेमिक फैला है कोरोना वायरस की वजह से, इसके वजह से ये और ज़्यादा ही ख़राब हो गया है। ठीक है, तो अभी क्या हुआ है कि आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि फिस्कल डेफिसिट जो सेंटर का था 2019-20 में, वो उसको एस्टिमेट किया गया था 4.6%, जो कि 0.8% हायर था रिवाइज्ड एस्टिमेट से। और ये जो कोट किया है मैंने डेटा, ये एस्टिमेटेड कैलकुलेशन था किसके द्वारा, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा। और इसमें फिर ये भी दिया हुआ है कि करंट अभी अभी के सिचुएशन में क्या है, जैसे ये तो 2019-20 की बात हो गई, 2019-20 की डिफिसिट सेंटर के बारे में ये बताया गया। अभी का जो सिचुएशन है इसमें अभी एडिशनल फिस्कल स्टिमुलस भी नहीं दिया गया है और जो हमारा डेफिसिट है वो 7% ऑफ GDP पहुंच गया है, जो कि पहले 3.5% हुआ करता था। और इसके वजह से क्या हुआ है कि रेवेन्यू भी डिक्रीज़ हो गए हैं, जिसके वजह से डेफिसिट जो है वो ग्रो ही करते जा रहा है। तो ये एक वजह हो गया। और प्लस यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है आर्टिकल में कि कंसोलिडेटेड डिफिसिट जो है यूनियन और स्टेट का, वो अगर दोनों को मिला देंगे, यूनियन और स्टेट का दोनों का कंसोलिडेटेड डिफिसिट को अगर मिला देते हैं तो वो 12% ऑफ GDP हो जाएगा। और जो ओवरऑल डेब्ट होती है, जो गवर्नमेंट की बोरोइंग होती है, डेब्ट होती है, वो 85% हो जाएगी। ठीक है, तो इसका ये मतलब है कि हमारा जो सिचुएशन है, बजटरी सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा अलार्मिंग हो चुका है, बहुत ज़्यादा खतरे में है। तो इसी के वजह से इसको कहा गया है कि चलिए अब चेक करते हैं कि फिस्कल काउंसिल हमें रिक्वायर है कि नहीं, हमारे इंडिया के लिए फिस्कल काउंसिल की रिक्वायरमेंट है या नहीं। ठीक है, ये सब डेटा अगर आप कोट कर देंगे ना तो पॉइंट्स मतलब मार्क्स ज़्यादा मिल जाएंगे, इसीलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, अदरवाइज चैनल पे आप इसका PDF कलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं कंसर्न, क्या कंसर्न है जिसके वजह से फिस्कल काउंसिल को लाने की बात कही जा रही है। एक तो हमारा जो डेब्ट्स रहता है, हमारा जो डिफिसिट रहता है वो बहुत ज़्यादा है ही, प्लस बजट में जो कम्प्रिहेंसिवनेस होना चाहिए या ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए ये, या फिर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये भी बहुत क्वेश्चनेबल है। तो ये सब चीज़ों को करेक्ट करने के लिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबल बजट बनाने के लिए ज़रूरी है हमारे पास एक फिस्कल काउंसिल होना। ऑल्सो देयर इज़ ऑल्सो बहुत बार ये भी हुआ है कि रिपीटेड पोस्टपोनमेंट ऑफ टारगेट देखा गया। ठीक है, कि टारगेट तो सेट रहता है कि हाँ इतना डेफिसिट होना चाहिए हमारा, बट वो क्या होता है, वो पोस्टपोन होते जाता है। जैसे कि 2019-20 के लिए अगर सेट करते हैं तो वो नहीं मीट हुआ तो वो अगले साल के लिए हो जाता है, 2021 के लिए, 2021-22, ये ऐसे ऐसे शिफ्ट होते जाता है, पोस्टपोन होते रहता है टारगेट और नहीं अचीव कर पाते हैं हम। इसका मतलब डिसिप्लिन की कमी है यहाँ पे। फिर
बहुत बार ये भी होता है कि फिज़िकल डेफिसिट को नहीं शो किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा हमारा जो इंडिया है वो पॉपुलिस्ट स्कीम पे बहुत चलता है, तो उसको कहीं ना कहीं इसको इसको छुपा लिया जाता है, इसको हाइड करने की कोशिश की जाती है, और डेफिसिट नहीं ज़्यादा शो हो ये किया जाता है। ये नहीं कि इसको करेक्ट किया जाता है, इसको मेजर्स अच्छे मेजर या अच्छे अडॉप्टिव मेजर्स लेके इसको करेक्ट किया जाए, ये नहीं, उसको बट इसको विद इन टारगेट या विद इन लिमिट दिखाने के लिए अदर फैक्ट्स को हाइड कर दिया जाता है, ये भी है हमारे यहाँ है। चलिए फिर देख लेते हैं रिकमेंडेशन, अब जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 13th फिनांस कमीशन ने क्या बोला। तो 13th फिनांस कमीशन के हिसाब से एक कमेटी होनी चाहिए। ओके, ये कमेटी को में जो अपॉइंटमेंट होगी वो होगी मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस से, ठीक है। तो इस इनका ये कहना है कि यहाँ पे एक लाइन ही कोटेड है, इसको देख लेते हैं। अ कमेटी बी अपॉइंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस विच शुड इवेंचुअली ट्रांसफॉर्म इट सेल्फ इंटू फिस्कल काउंसिल टू इंटू अ फिस्कल काउंसिल टू, मतलब एक कमिटी होनी चाहिए जो कि अपॉइंटेड होगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस कमीशन, फिनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस से, फिनेंस मिनिस्ट्री से, जो कि इवेंचुअली एक काउंसिल में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, जिसको हम फिस्कल काउंसिल बोलेंगे। और इसकी फंक्शंस क्या हो जाएंगे? तो इसके फंक्शंस हो जाएंगे कंडक्ट एंड एनुअल इंडिपेंडेंट पब्लिक रिव्यू ऑफ FRBM कंप्लायंस, ठीक है। तो इसका पहला फंक्शन जो होगा वो होगा एक इंडिपेंडेंट, एक एनुअल पब्लिक रिव्यू होना चाहिए कि FRBM जो है उसका कंप्लायंस हो रहा है कि नहीं। प्लस इसमें ये भी देखना, इनका ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा कि जो फिस्कल इम्पैक्ट है पॉलिसी डिसीजन का, वो सब भी उसको इनको रिव्यू करना होगा कि जो पॉलिसी बन रहे हैं उसका भी रिव्यू करने की फंक्शन दे दी जाएगी किसको? फिस्कल काउंसिल को। फिर FRBM कमेटी जो है, रिव्यू कमेटी, उसने भी ऐसे ही रिकमेंड किया कि हमें इन इंडिया वी नीड एन इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय फिनेंस मिनिस्ट्री अपॉइंटिंग द काउंसिल, ठीक है। इनका भी यही कहना है कि एक काउंसिल बने और उसमें अपॉइंटमेंट जो है वो फिनेंस मिनिस्ट्री करे, और ये इंडिपेंडेंट बॉडी हो और रिव्यू करे ये फिस्कल पॉलिसीज़ को, और जो भी बनते हैं, जो भी स्कीम्स आते हैं या प्लान्स बनते हैं उसको रिव्यू करे, और कहीं जहाँ पे ज़रूरत पड़े उसको करेक्टिव मेज़र भी दे, मॉनिटर भी करे ये सब। नेक्स्ट देख लेते हैं रिकमेंडेशंस और भी हैं। ये जब रिकमेंडेशन आप नाम के साथ कोट करेंगे ना कि 13th फिनांस कमीशन ने ऐसा कहा, तो FRBM रिव्यू कमेटी ने ऐसा कहा, 14th फिनांस कमेटी ने ऐसा कहा, तो दैट विल गिव एक्स्ट्रा एज टू योर आंसर, सो इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। तो देख लेते हैं यहाँ पे। और फिर यहाँ पे ये बोला जा रहा है, द प्रॉब्लम इज दैट अ काउंसिल क्रिएटेड बाय फिनेंस मिनिस्ट्री एंड रिपोर्टिंग टू इट कैन हार्डली बी एक्सपेक्टेड टू इंडिपेंडेंट। तो यहाँ पे ये जो 13th फिनेंस कमीशन ने बोला कि एक काउंसिल बना दो और अपॉइंटमेंट फिनेंस मिनिस्ट्री ही कर देगी, फिर FRBM रिव्यू कमेटी भी यही कह रहे हैं कि एक कमेटी बना दो जो कि इंडिपेंडेंट हो, लेकिन उसकी अपॉइंटमेंट कौन कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस ही कर रहे हैं। तो फिर वही हो गया कि वही बना रहा है और उसी को रिपोर्ट करना है, तो ये कहीं से इंडिपेंडेंट रहना ही होगा, फिर से वो लिमिट्स ब्रीच होंगे, फिर से बहुत सारा टेक्निक्स और बहुत सारे हिडन आइडियाज़ लगाए जाएंगे ताकि जो डिफिसिट है वो पब्लिक नहीं हो, वो उसको छुपा लिया जाए बेसिकली। तो ये ऐसा इनका कहना। तो इसके बाद क्या हुआ कि 14th फिनेंस कमीशन से रिकमेंडेशन मांगा गया। तो इनका ये कहना है कि देर शुड बी एन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल विच शुड बी अपॉइंटेड बाय एंड रिपोर्टिंग टू पार्लियामेंट। तो ये जो इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल की बात कर रहे हैं, इनका ये कहना है कि ठीक है, इसको इसका अपॉइंटमेंट हम मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस पर नहीं छोड़ेंगे और ना ही ये रिपोर्ट करेगा मिनिस्ट्री ऑफ फिनेंस को। अब ये क्या होगा, इसकी जो अपॉइंटमेंट होगी वो पार्लियामेंट से होगी, और रिपोर्ट भी इनको पार्लियामेंट को करना होगा, और एक और चेंजेस ले आना होगा, न्यू सेक्शन ये लोग ऐड कर देंगे FRBM एक्ट में, ठीक है। फिर फॉर्मर डेप्टी गवर्नर है RBI के विरल आचार्य, उनकी बुक आई थी क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फिनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया, दैट ऑल्सो मेक्स आउट अ केस फॉर बाई पार्टीशन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल। तो ये जो बुक है इनकी, विरल आचार्य की, जो कि हमारे फॉर्मर डेप्टी गवर्नर भी थे RBI के, उनका भी ये कहना है कि एक बाई पार्टीशन इंडिपेंडेंट फिस्कल काउंसिल हमारे पास होनी चाहिए।
चलिए अब देखते हैं फिस्कल काउंसिल इतनी बात हो रही है तो ये है क्या। तो फिस्कल काउंसिल इज़ एन इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन, इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन IFI, ठीक है, विद अ मैंडेट टू प्रमोट स्टेबल एंड सस्टेनेबल पब्लिक फिनेंसेस। तो फिस्कल काउंसिल क्या है, ये एक इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम क्या है, जिसका काम रहेगा प्रमोट करना स्टेबिलिटी को और सस्टेनेबिलिटी को, जो पब्लिक फिनेंस का स्टेबिलिटी है और सस्टेनेबिलिटी है इसको प्रमोट करना है, ठीक है, यही फंक्शन होना है फिस्कल काउंसिल का। अब यहाँ पे देख लेते हैं OECD जर्नल में, जो जर्नल है उसमें क्या लिखा है, फिस्कल काउंसिल को कैसे डिफाइन किया गया है। तो ये सब अगर आप ऐसे लिखेंगे ना, द डिफिनेशन ऑफ फिस्कल काउंसिल अकॉर्डिंग टू OECD जर्नल, तो इस सब में और अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। चलिए देख लेते हैं डेफिनेशन। अ पब्लिकली फंडेड एंटिटी स्टाफ्ड बाय नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स मैंडेटेड टू प्रोवाइड नॉन पार्टीसन ओवरसाइट टू फिस्कल परफॉर्मेंस एंड एडवाइस एंड और एडवाइस एंड गाइडेंस फ्रॉम आइदर अ पॉजिटिव और अ नॉर्मेटिव पर्सपेक्टिव ऑन अ की एस्पेक्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो इनके हिसाब से जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि अपॉइंट करेंगे पार्लियामेंट के द्वारा होगी और उनको रिपोर्ट करेंगे, तो यहाँ पे इनका ये सीधे से कहना है कि अब एक पब्लिकली फंडेड एंटिटी हो, ठीक है, और इसके जो इसमें जो ये जो एंटिटी रहेगी इसमें काम करने वाले जो होंगे वो नॉन इलेक्टेड प्रोफेशनल्स हों। और इनका काम क्या होगा, तो इनका ये काम होगा कि ये कोई पार्टी बेस्ड इंसाइट नहीं देंगे, जैसे कि जो पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट है या उसके फेवर में बोल दिया, ऐसा नहीं करना, बट नॉन पार्टीसन ओवरसाइट करें, ये फिस्कल परफॉर्मेंस जो हो रही है उसका उसको अच्छे से रिव्यू करें, अगर ज़रूरत पड़े तो एडवाइस भी करें, गाइड भी करें, जो फिस्कल पॉलिसी है उसको अच्छे से करेक्ट करने का और उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का ये सब गाइड वाइड भी करें। दिस इंस्टीट्यूशन असिस्ट इन कैलिब्रेटिंग अ सस्टेनेबल फिस्कल पॉलिसी बाय मेकिंग ऑब्जेक्टिव एंड साइंटिफिक एनालिसिस, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे इसका फंक्शन दिया हुआ, ये भी आप कोट कर सकते हैं। अब अलग से यहाँ पे देख लेते हैं फिस्कल काउंसिल के फंक्शंस को। तो सबसे पहला जो फंक्शन है इसमें यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अनबायस्ड रिपोर्ट टू पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को अनबायस्ड रिपोर्ट होना चाहिए, दैट हेल्प्स टू रेज द लेवल ऑफ डिबेट एंड ब्रिंग्स इन ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो जब पार्लियामेंट को ये रिपोर्ट करें तो ये एकदम अनबायस्ड रिपोर्टिंग करें, ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा कि जो डिबेट होते हैं पार्लियामेंट में उसका लेवल हाई होगा, उसके वजह से फर्दर क्या होगा, उसके वजह से अच्छी तरीके से ट्रांसपेरेंसी आएगी और अकाउंटेबिलिटी आएगी। सेकंड देखते हैं, सेकंड पॉइंट क्या कह रहे हैं, तो कॉस्टिंग ऑफ वेरियस पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स कैन हेल्प टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी ओवर पॉलिटिकल साइकिल टू डिस्करेज पॉपुलिस्ट शिफ्ट इन फिस्कल पॉलिसी एंड इम्प्रूव अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका कहना है कि जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो प्रोग्राम्स होते हैं, उसकी कॉस्टिंग को भी देखना और कोशिश करना चाहिए ट्रांसपेरेंट हो ये, और जो पॉपुलिस्ट शिफ्ट होते रहते हैं फिस्कल पॉलिसी में ये नहीं हो, अचानक से जैसे किसी लीडर ने आके अचानक से मतलब कहीं बाढ़ देख ली तो उसके हिसाब से एक अनाउंसमेंट हो गई स्कीम की, कहीं देख लिए कि ड्राउट आ गया तो उसके हिसाब से नहीं, ये सब चीज़ों को इसको अच्छे से देखना है, इसको इसकी कॉस्टिंग को देखना है, इसकी ये सब जो प्रोग्राम्स और पॉलिसी ये लोग अनाउंस कर देते हैं पॉपुलिस्ट शिफ्ट जो करते हैं ये ताकि वोट बैंक पॉलिटिक्स चलता रहे, तो वो सब नहीं हो, इसको भी अच्छे से देखें, ठीक है, डिस्करेज करें पॉपुलिस्ट शिफ्ट को और अकाउंटेबिलिटी को इन्हांस करने की कोशिश करें ये फिस्कल काउंसिल। थर्ड ये है कि साइंटिफिक एस्टिमेट्स होनी चाहिए जो प्रोग्राम्स है और इसकी जो असेसमेंट है, ये अगर साइंटिफिक एस्टिमेट बनेगा इसका, जिसके वजह से क्या होगा कि पब्लिक भी थोड़ा अवेयर हो जाएगी फिस्कल इम्प्लीकेशंस को लेके, एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ बजटरी कंस्ट्रेंट। और ये नहीं कि लोग यहाँ पे ये बेसिकली राइटर कहना चाह रहे हैं कि आपको साइंटिफिक एस्टिमेट्स दिखाना होगा, लोगों को कन्विंस करना होगा कि ये ही बजटरी कंस्ट्रेंट, ये हमारा बजटरी कंस्ट्रेंट है, अभी इम्प्लीकेशंस हैं, जैसे अभी कोविड में नहीं ऐसे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं कर सकता है ना, फिस्कल स्टिमुलस नहीं दे सकता है गवर्नमेंट, तो ये सब चीज़ों को पब्लिक को कन्विंस करके करना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा पब्लिक अवेयरनेस तो आएगी ही प्लस
पीपल भी मतलब जनता भी यहाँ पे खुश रहेगी। फाइनली काउंसिल विल वर्क एज कंसेंस कीपर इन मॉनिटरिंग रूल बेस्ड पॉलिसीज एंड रेज अवेयरनेस एंड लेवल ऑफ डिबेट विद इन एंड आउटसाइड पार्लियामेंट। तो काउंसिल का यही काम रहेगा कि ये कंसेंस कीपर का काम करे, मॉनिटर करे रूल बेस्ड पॉलिसीज़ को और रेज करे अवेयरनेस ताकि जो डिबेट अंदर या बाहर होती हैं उसका लेवल इंक्रीज हो जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं। अच्छा, अब IMF के हिसाब से क्या था, IMF की रिपोर्टिंग्स यहाँ पे देख लेते हैं। तो IMF 2014 में IMF ने बताया था कि 36 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे फिस्कल, ये जो इंडिपेंडेंट फिनेंशियल फिस्कल इंस्टीट्यूशन है वो काम कर रहे थे, बट अब तो और ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि एडवांस कंट्रीज़ में भी IFI हैं और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं वहाँ पे भी इंटरेस्ट दिख रहा है IFIs को लाने का। बहुत सारे कंट्रीज़ तो हैं जिसमें IFIs हैं, बट स्टिल ये बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म फंक्शंस नहीं है। कहीं पे ये वॉच डॉग का काम करते हैं, कहीं पे दूसरा कुछ स्ट्रक्चर और फॉर्म फंक्शन रहता है, ये सेम नहीं रहता। बट स्टिल बहुत सारे एडवांस कंट्रीज़ और इमर्जिंग इकोनॉमीज़ में अब हम फिस्कल काउंसिल को या फिर इंडिपेंडेंट फिस्कल इंस्टीट्यूशंस को देख रहे हैं। तो इनके हिसाब से IMF के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टास्क क्या होना चाहिए IFI का, यहाँ पे 5 पॉइंट्स कोटेड हैं, इसको देख लेते हैं। एक तो इंडिपेंडेंट एनालिसिस होनी चाहिए, ये नहीं कि जिस गवर्नमेंट में आप काम कर रहे हैं या आपकी अपॉइंटमेंट हुई है उसकी आप तारीफ़ कर रहे हैं और उसके जो फिस्कल उसकी जो डेफिसिट है वो आप नहीं रिवील होने दे रहे हैं, ये नहीं करना। आपको इंडिपेंडेंट एनालिसिस करना है और रिव्यू करना है, मॉनिटर करना है और इवेलुएट करना है गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी और प्रोग्राम को। तो ये तो डेफिनेट सा पॉइंट है। डेवलपिंग और रिव्यूइंग मैक्रो इकोनॉमिक एंड बजटरी प्रोजेक्ट्स हैं, तो इनका ये भी काम रहेगा कि जो मैक्रो इकोनॉमिक और जो बजटरी प्रोजेक्शंस होते हैं उनको भी ये डेवलप करें, हिसाब से डेवलप करें ताकि फिर डेफिसिट बढ़े नहीं। कॉस्ट ऑफ बजट एंड पॉलिसी प्रपोजल्स एंड प्रोग्राम्स, तो उसको भी जो बजट है और पॉलिसी प्रपोजल्स है या प्रोग्राम्स है उसकी कॉस्टिंग को भी देखना चाहिए ये जो IFIs हैं। और लास्टली प्रेजेंटिंग पॉलिसी मेकर्स विद अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शन, तो ये इनका ये भी काम देखिए शुरुआत से देखिए। एक तो इनको इंडिपेंडेंट होना होगा, जो गवर्नमेंट प्लान बना रही है, फिस्कल पॉलिसी बना रही है, प्रोग्राम बना रही है, उसको अच्छे से रिव्यू करें, मॉनिटर करें, इवेलुएट करें। फिर क्या करना होगा इनको, जो बजटरी प्रोजेक्शंस होते हैं या मैक्रो इकोनॉमिक प्रोजेक्शन होते हैं उनको भी ये रिव्यू करें। फिर जो बजट है या पॉलिसी प्रोविजंस है उसका कॉस्ट भी देखें, कॉस्ट कटिंग पॉसिबल है तो कॉस्ट कटिंग करें, जितना ज़रूरी है उतना ही कॉस्टिंग रखें। लास्टली जो भी पॉलिसी मेकर हैं उनको ये अल्टरनेटिव पॉलिसी ऑप्शन दे जिसमें कि ज़्यादा डेफिसिट नहीं फेस करना पड़े गवर्नमेंट को, जो क्योंकि फाइनली तो फिर वो कहीं ना कहीं जनता को ही देखना पड़ता है, जनता को ही फील होता है ना। तो ये हो गया इसके 5 फंक्शंस, इम्पॉर्टेंट टास्क देख लिया हमने। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है OECD जो है उसके हिसाब से 9 ब्रॉड हेड्स हैं, इनके प्रिंसिपल्स क्या होने चाहिए, जो फिस्कल काउंसिल है इनके प्रिंसिपल्स क्या क्या होने चाहिए। तो लोकल ओनरशिप होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, नॉन पार्टिसनशिप होना चाहिए, इन लोगों के पास कुछ मैंडेट होना चाहिए, ठीक है। फिर रिसोर्सेज इनका अपना होना चाहिए, रिलेशनशिप इनकी लेजिस्लेचर के साथ हो, एक्सेस इनको भी दिया जाए इन्फॉर्मेशन का, इनकी जो ये जो होंगे ये ट्रांसपेरेंट रहें, और कम्युनिकेशन का भी एक्सेस उनको देना चाहिए, एक्सटर्नल इवेलुएशन होनी चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं दीज और भी कुछ पॉइंट्स हैं IMF के ही द्वारा, तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। दीज प्रिंसिपल्स आर इम्पॉर्टेंट इंश्योर अटोनमी बीइंग अनबायस्ड ट्रांसपेरेंसी एंड इफेक्टिव एंड अकाउंटेबल काउंसिल्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं यहाँ पे 9 ब्रॉड हेड्स हमने देखा, तो ये जो प्रिंसिपल्स हैं सारे लोकल ओनरशिप या इंडिपेंडेंस एंड नॉन पार्टिसनशिप, मैंडेट, रिसोर्सेज, रिलेशनशिप विद लेजिस्लेचर, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ट्रांसपेरेंसी, कम्युनिकेशन एंड एक्सटर्नल इवेल्युएशन। इसके वजह से क्या होता है कि जो ऑटोनमी होती है वो भी अश्योर रहती है, फिर जो काउंसिल रहता है वो अनबायस्ड रहता है, ट्रांसपेरेंट रहता है और इफेक्टिव और अकाउंटेबल काउंसिल होता है, ठीक है।
ओके और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि हाउ इफेक्टिव हैव दीज इंस्टीट्यूशंस बीन, तो इसके बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक तो स्ट्रॉन्गर प्राइमरी बैलेंसेस होते हैं, फिर कंट्री विथ IFIs टेंड्स टू हैव मोर एक्यूरेट मैक्रो इकोनॉमिक एंड बजटरी फॉरकास्ट, तो जिनके पास IFIs है, जिन कंट्री में IFIs है अभी, उनका जो माइक्रो इकोनॉमिक बजटरी फोरकास्ट होता है वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है और वो ज़्यादा अचीवेबल भी रहता है। वो लोग टाइम टू टाइम अपना रिव्यू करते रहते हैं, मॉनिटर करते रहते हैं और जो भी ज़रूरत है वो रिक्वायर्ड स्टेप्स भी लेते रहते हैं। IFI जो होती है ये पब्लिक अवेयरनेस को भी ये रेज़ करती है, फिर पब्लिक डिबेट को भी ये रेज़ करती है, उसके लेवल को भी रेज़ करती है। चलिए अब लास्ट में जल्दी से देख लेते हैं वे फॉरवर्ड क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है अकॉर्डिंग, ये जो राइटर है उनका ये कहना है कि इनका ये कहना है, ये बहुत अच्छे से लिखा हुआ है यहाँ पे कंक्लूज़न, कि जब मार्केट फेल करती है तब गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, लेकिन जब गवर्नमेंट फेल करेगा तो कौन इंटरवीन करेगा, इसीलिए ज़रूरत है हमारे पास एक फिस्कल काउंसिल होने की। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है वही, मतलब देर इज़ अ नीड ऑफ सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन टू इंश्योर चेक्स एंड बैलेंसेस, फिस्कल काउंसिल इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन नीडेड टू कम्प्लीमेंट द रूल बेस्ड फिस्कल पॉलिसी। तो हमारे यहाँ जो रूल बेस्ड जो फिस्कल पॉलिसी है वो तो रहे ही, प्लस हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन भी आ जाए जिसको हम फिस्कल काउंसिल कहें और जिसके थ्रू सारा फिस्कल जो पॉलिसीज़ है या प्रोविजंस है उसका मेंटेनेंस होते रहे, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हो गया है कि पॉलिटिकल विल भी होनी चाहिए। देखिए अब देर इफ़ देर इज़ नो पॉलिटिकल विल इंस्टीट्यूशन वुड बी लेस इफेक्टिव, एंड इफ़ देर इज़ पॉलिटिकल विल देर इज़ नो नीड ऑफ सच इंस्टीट्यूशन। ये बोला जा रहा है कि अगर पॉलिटिकल विल नहीं है तो इंस्टीट्यूशन आके भी क्या कर लेगा, और अगर पॉलिटिकल विल है तो ऐसे इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत, मतलब हमारे पास तो FRBM एक्ट है ही, हमारे पास रूल बेस्ड पॉलिसी है ही, तो फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन की क्या ज़रूरत है, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे ये बोला है काउंटर फैक्चुअल विल सो दैट थिंग्स वुड हैव बीन मच वर्स विदाउट इट, एंड इट हैज़ हेल्प टू रेज अवेयरनेस ऑफ गवर्नमेंट लेजिस्लेटर एंड पब्लिक एट लार्ज। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि अगर फिस्कल जो काउंसिल है अगर वो आ जाता है तो उसके वजह से बहुत सारे जो कॉम्पोनेंट्स हैं यहाँ पे वो अवेयर हो जाएंगे, जैसे गवर्नमेंट भी अवेयर होगी क्योंकि रिव्यू और मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होते रहेगा, लेजिस्लेटर्स जो हैं वो पॉलिसी बनाने के टाइम में अभी जो पॉलिसी बनाने के टाइम में क्योंकि ये रिव्यू करते रहेगा ना फिस्कल काउंसिल, तो उस टाइम में भी, या फिर अल्टरनेटिव फिस्कल पॉलिसी देगा तो उस टाइम में वो भी अवेयर रहेंगे, फिर पब्लिक को पता चलेगा कि ये हमारे इम्प्लिकेशंस हैं, ये हमारे कॉन्स्टेंट हैं, तो उसके वजह से और भी डिबेट होंगे जिसके वजह से और स्ट्रॉन्गर हो जाएगी हमारी जो डिफिजिट को कंट्रोल करने का जो हमारा टेक्निक रहता है वो ज़्यादा और इफ़ेक्टिव हो जाएगा। लास्टली फिस्कल काउंसिल विल हेल्प इन इम्प्रूविंग कॉम्प्रिहेंसिवनेस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। तो ये पॉइंट तो हर जगह आपको चिपका ही देना है कि फिस्कल काउंसिल जो है वो एक तो कॉम्प्रिहेंसिवनेस लाएगी, फिर ट्रांसपेरेंसी लाएगी और अकाउंटेबिलिटी लाएगी, ठीक है। तो आज के लिए यही था आज का लेसन, फिस्कल काउंसिल ये इम्पॉर्टेंट है UPSC के लिए, BPSC के लिए, कोई भी स्टेट PCS के मेन्स आंसर राइटिंग के लिए। तो होपफुली आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको ये अच्छा लगा तो काइंडली इसको शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के बीच जो मेंस राइटिंग कर रहे हैं, उनको अच्छा पॉइंट्स मिल जाएगा एक ही जगह कंसोलिडेटेड तरीके से। अगर आपको PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उससे हमारे साथ जुड़ सकते हैं और ये PDF कलेक्ट कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।